ज्यादा पता होता है कि किचन के अंदर हम कैसे प्लास्टिक को यूज करते हैं, कैसे उनको खत्म करना है। एक जेंट्स है, लेडीज जो है वो ज्यादा इसके अंदर इसको खत्म कर सकती है, क्योंकि उसने ही बच्चों को भेजना होता है, उन्होंने ही अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना होता है, तो उसके लिए प्लास्टिक मुक्त करना बहुत जरूरी है। अब मैं पृथ्वीराज चौहान जी से प्रार्थना करूँगा अपने विचार के। पृथ्वीराज चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का ऐलान किया है, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम सिंगल यूज को बहिष्कार करें। कल ही हमारी गवर्नमेंट ने लकड़ी की बोतलें लॉन्च की हैं मार्केट में, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बोतलें पानी के यूज करें, लकड़ी की बनी हुई। और जैसे माइक्रोवेव में हम ओवन में जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं, तो हम कांच के बर्तन यूज करें, ना कि प्लास्टिक के बर्तन यूज करें। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला था कि जैसे हम जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करते करते हम जैसे पार्कों में प्लास्टिक पड़े रहते हैं, तो उनको जॉगिंग करते करते उनको भी उठा सकते हैं, तो स्वच्छता भी हो जाएगी और जॉगिंग भी हो जाएगी साथ के साथ। तो हमें अपनी स्वच्छता का और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे बोलने का मौका। शुक्रिया मैडम चौहान जी।